फैंस, आई एम सचिन राणा फ्रॉम मोशन इंटरनेशनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है आज रहेगा कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि कनाडा पोस्ट ऑफिस में जो है, जो पोस्ट ऑफिस कैनेडियन गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखी होंगी, आज जो ये वीडियो देख रहे हैं कुछ व्यूअर जो होंगे वो न्यू होंगे, कुछ पुराने होंगे, ठीक है, और कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होंगे जो कनाडा के नाम पे या किसी और कंट्री के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स उनके साथ हो चुका होगा, किसी के साथ एक बार, किसी के साथ दो बार, किसी के साथ 10,000 का, किसी के साथ 1,00,000 का, किसी का 2,00,000 का, 10,00,000 का, ठीक है। कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जो अभी सोच रहे होंगे किसी एजेंट्स के पास जाने का कि अभी कनाडा के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या आप न्यूज़पेपर पे ले लीजिए, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल रही होगी, शिपिंग का मिल रहा होगा एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कैनेडियन पैकिंग हेल्पर का मिल रहा होगा, ऐसा बहुत ऑप्शंस आपके पास सामने आ रहे होंगे। तो आप जो नए एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, सोच रहे होंगे ठीक है हम अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ वीज़ा मिल जाए। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। ये आज का जो टोटली वीडियो रहने वाला है, एक हमारे व्यूवर हैं उनके साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, और किस तरीके से फ्रॉड हुआ है वो आज मैं सारा आपको बताऊँगा। कैनेडियन पोस्ट ऑफिस में, कैनेडा पोस्ट ऑफिस में जॉब के नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो उसके प्रूफ्स में आपको दिखाऊंगा सारा, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस तरह से फ्रॉड होता है और किस तरह से आपको उससे बचना है। अब ये इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ वेबसाइट्स दे दूंगा जो कि थोड़ी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं, वो हैं गवर्नमेंट की, कैनेडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं वेबसाइट, वह उसके आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, सैलरी में से पैसे कटवाएं, मेडिकल के नाम पे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से आपसे 1,000 से लेके 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 तक कुछ भी पैसे ले लेंगे, कहेंगे सैलरी में से पैसे कट जाएंगे, बाकी मेडिकल का 5-10,000 ले लेंगे, ठीक है, एम्बेसी फीस के नाम पे ले लेंगे, किसी भी तरह से आपसे पैसे लेके वो आपका जो है पैसा वेस्ट करेंगे और वीज़ा नहीं लगने वाला इस तरह से। टारगेट किसको करते हैं, जो कि अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं या फिर जो एलिजिबल नहीं होते हैं, जैसे कनाडा का डायरेक्ट पीआर इंडिया से हो सकती है एक्सप्रेस एंट्री में, उसमें जो है एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस लेटर्स, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के हर बेसिक्स पॉइंट्स मिलते हैं उसके, ठीक है, तो एक्सपीरियंस का मिलता है, आयल्स का मिलता है, जिसने आयल्स की हो 8777 बैंड आते हैं उसके चांसेस होते हैं वीज़ा के, पीआर के डायरेक्टली। ऐसे तो चांसेस जो होता है कि 10वीं 12वीं पास है, किसी भी कोई भी एप्लीकेंट आइए हम आपका वीज़ा करवा देंगे, वो सब फेक और फ्रॉड होते हैं। नए से नए तरीके हमें पता चल रहे हैं कि ये जो फेक एजेंट्स होते हैं ये कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये है मिस्टर ज्योति और आकाश, ज्योति विश्वकर्मा और आकाश विश्वकर्मा, आई थिंक ये फैमिली मेम्बर्स हैं दोनों। तो इनके साथ फ्रॉड हुआ है इंडिया में, इनके साथ दो जगह फ्रॉड हुआ है। हाईटेक इतना हो चुके हैं फ्रॉड करने वाले कि वो LMIA लेटर दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप इसके साथ एम्बेसी में सबमिशन करिए, और उनको एम्बेसी बाद में बोल रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं ये फेक हैं, फ्रॉड हैं। तो आप सोच लीजिए कि फ्रॉड करने वालों को बिल्कुल भी डर नहीं है, किसी भी तरह का बिल्कुल डर नहीं है। अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कनाडा पोस्ट का जो उनको ऑफर लेटर दिया गया था, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसमें ज्योति विश्वकर्मा को एज ए ड्राइवर का पोस्ट दिया गया है कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है, 2 साल का वर्क परमिट और $3,000 सैलरी, ठीक है, और इनिशियल पोजिशन जो है वो इनको ड्राइवर की दी गई है, और उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। ये सारा जो है मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, अगर आपको टाइम लगेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, बट इस तरह से ऑफर्स इस तरह से देते हैं कि ताकि एप्लीकेंट जो है उस जाल में फंस जाए, ठीक है। और यूज भी किसका कर रहे हैं, कैनेडियन पोस्ट का, कैनेडा पोस्ट का, ठीक है, ताकि एप्लीकेंट जो है वो फंस जाए कि हाँ कैनेडियन गवर्नमेंट की जो है ये जॉब निकली हुई है। और हो क्या रहा है कि जैसे कैनेडियन जॉब साइट्स हैं, कुछ अच्छी जॉब साइट्स हैं,
ठीक है, jobbank.ca इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वेबसाइट जो है वो ट्रस्टवर्दी है, तो वहीं से ये जो है निकाल के, पोस्ट निकाल के, वही जॉब निकाल के उनको इंडिया से फेक ऑफर लेटर, फेक LMIA लेटर दे रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज और आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये जो इन्होंने कहाँ से ये लेटर कहाँ से उठाया इन्होंने, अब देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, और इन्होंने जॉब साइट्स, वेबसाइट्स बनाई हैं, joblink.co.in, क्लाइंट joblink.co.in, ठीक है, और ये आप देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कंपनी का लिंक है jobscanadapost.ca, ठीक है, jobscanadapost.ca रिचमंड, ये एक्चुअल में वहाँ पे वैकेंसी होगी, ठीक है, बट ये इंडियंस के लिए नहीं है, ये किसी और नेशनलिटी के लोकल्स के लिए होगी, ठीक है, फॉरनर के लिए भी होगी तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उन्होंने वहाँ से सारा ये लिंक कॉपी करके एप्लीकेंट को भेजा है, ठीक है, और कैनेडियन नंबर आपको पता है इंडिया में भी मिल जाता है, कैनेडियन नंबर लेके रखा हुआ है, उसका रेफरेंस कोड IND1093 लेके दिया, ताकि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो तरीके से उनको हम फंसा सकें। सारा डिटेल्स दी गई है कि सैलरी, पहले सैलरी $3,000 बताई गई, अब $19.86 जो है ऊपर आर बताई गई है, ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि क्या क्या है, ताकि एप्लीकेंट को जितना हो सके उस हिसाब से उसको फंसाया जा सके, ये सारा का सारा खेल चला हुआ है। अब इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताया गया है, फिजिकली फिट होना चाहिए, जितना भी ब्रीफली उनको वहाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये वेबसाइट जो है कनाडा पोस्ट, ठीक है, ये वहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट आप कह सकते हैं, वहाँ से जैसे उन्होंने वैकेंसी डाली होगी, तो ये जो फेक एजेंट्स होते हैं वहाँ से कॉपी करके, पूरा कॉपी करके उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया, ताकि एप्लीकेंट को भरोसा हो जाए, नंबर उन्होंने अपना दे दिया, ईमेल आईडीज अपनी दे दी है, जैसे HRGinal@joblink.co.in, HRNidhi@joblink.co.in। आपको सोचिए कैनेडियन एम्प्लॉयर को अगर कोई वर्कर इंडिया से चाहिए तो ये क्या इन एजेंसीज को देगा जो कि ऑथराइज भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो joblink.co.in है ये कम्प्लीटली फेक वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी से भी जो है एप्लीकेंट को डायरेक्ट रिवर्ट आ गया है कि ये जो है इन्होंने LMIA लेटर और ऑफर लेटर्स जो दिया है सब फेक है, ठीक है। ये इतने शातिर होते हैं कि इन्होंने तो एप्लीकेंट को ये टोल फ्री नंबर भी दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट में वर्किंग आवर के नीचे रिस्क फ्री कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये किसी भी ऑनलाइन एक स्टैंप निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं और ये इस टाइप से फेक हो रहा है। अभी इसी एप्लीकेंट के साथ एक इस तरह से फ्रॉड हुआ है, सेकंड जो फ्रॉड हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है अभी, पहले उससे पहले मैं आपको LMIA लेटर दिखा देता हूँ जो इस वेबसाइट joblink.co.in ने दिया था। अब देखिए जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है यह है कैनेडा सर्विस कैनेडा, ठीक है, कंफर्मेशन फॉर, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे क्या होता है, ये खेल क्या है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का खेल है, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए सिर्फ नाम नेम वगैरह कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बाकी एम्प्लॉयर आईडी ये वो सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए ऑफर लेटर में जो है सैलरी, एक में $3,000 दी है, एक में $19.60 पर घंटा दी है, और जो LMIA लेटर है वहाँ पे $17 पर घंटा दी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कित शरेआम फ्रॉड लग रहा है, बट हमारे भोले भाले एप्लीकेंट जो है इस उसमें फंस जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपने अगर ऐसे अप्लाई करना है तो आप देखिए पहले सर्च करिए, एडिटिंग, इनकी एडिटिंग इतनी अच्छी भी नहीं होती है, ठीक है, तो एडिटिंग देखिए कि हाँ प्रॉपर किस तरह से उन्होंने एडिट किया है, ऑफर लेटर में अलग लिखा है, एक ऑफर लेटर में अलग लिखा है, दूसरे में अलग लिखा है, तीसरे LMIA लेटर में अलग लिखा है, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। इस तरह से फ्रॉड करने वाले जो हैं वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं, अगर ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे दूंगा, ये उन्हीं एप्लीकेंट्स की है, जैसे ज्योति विश्वकर्मा उनका नाम है, उनकी आईडी मैं दे दूंगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं उनसे,
वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज देंगे ताकि आप में भी अवेयरनेस हो। ठीक है, मैं किसी का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता यहाँ पे, किसी भी फेक एजेंसी का या किसी भी उसका मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, बट ये कि मैं आपको उनका ईमेल आईडी जरूर दे दूंगा जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, ताकि आप उनसे पूछ सकें कि हाँ उनके साथ किसने कैसे किस तरह से फ्रॉड किया है। 90% इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हो सकता है ब्रीफली आपको ज्यादा बेटर बता सके ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, इसके बाद इनके साथ सेकंड इन्हीं के साथ फ्रॉड हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैडली पार्ट पंजाब की कंपनी है, ठीक है, मीन्स मोहाली की कंपनी है जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है। ये देखिए आकाश विश्वकर्मा है, इनके बेटे हैं ये ज्योति विश्वकर्मा के। ठीक है, इनको एज ए पैकिंग हेल्पर, अब हम लोग भी इसमें बराबर के गुनहगार हैं क्योंकि हम किसी भी जब आसान से जॉब देखते हैं पैकिंग हेल्पर, ठीक है, क्लीनर्स, बहुत इजी सी जॉब जो होती है हर जगह पे बस पैकिंग करनी और कुछ नहीं करना है, तो हमें लालच आ जाता है कि चलो यार कनाडा जाना है पैकिंग के लिए, पैसे थोड़े से लग रहे हैं, बाकी पैसे सैलरी में से कटवाने हैं, 10-20-50 हज़ार 1 लाख यहाँ पे देना है, तो चलो चलते हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, उनको फूड पैकिंग हेल्पर का दिया है, IPS इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सिस्टम INC, ये तो कंपनियों का नाम भी जो है खराब करते हैं। एक्चुअल में कंपनियां वहां पे होती हैं बट उनको कोई ऐसी जरूरत और कोई ऐसे फेक ऑफर लेटर वो इशू नहीं करते हैं। सैलरी जो है $22 पर आवर बताई गई है। उसके बाद इन्होंने इनसे पैसे लिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उनकी, इन्होंने एक बार 10,000 लिया इनसे, जो आपके पास अभी सामने रिसिप्ट आ रही है, एक बार 10,000 लिया, दूसरे बार इनसे 15,000 लिया, बाकी भी इनसे और पैसे लिए हैं जिनकी रिसिप्ट इनके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये हैं आई थिंक नेपाल से, तो नेपाल और इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं है, तो बीच में आके कोई वहाँ पे एम्बेसीज भी नहीं है कुछ, तो इंडिया में आके एम्बेसीज में अप्लाई करते हैं, तो जब एप्लीकेंट्स यहाँ आते हैं तो यहाँ से उनके साथ फ्रॉड होता है। तो वो 25-30 हज़ार के लिए नेपाल से पंजाब चक्कर बार बार या 40-50 हज़ार के चक्कर बार बार नहीं लगा सकते हैं, और ये एजेंट जो हैं समटाइम अपने फ़ोन बंद कर देते हैं या ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं, दूसरे का ऑफिस खोल लेते हैं। तो ये हमारे व्यूवर्स ने हमें भेजा था कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, एक ही व्यूवर के साथ दो दो बार फ्रॉड हुआ है। तो मेरा ये है कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि किस किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ और किसी आपके चाहने वाले के साथ या किसी आपके नोन पर्सन के साथ ये चीजें ये फ्रॉड ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है, आपने कुछ डाउट्स पूछना है, मैं मेल आईडी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर किसी के साथ भी फ्रॉड हुआ है वो अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजें प्रॉपर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए किसी के लिए सूटेबल है, किसी के लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा मोटिव यही रहता है कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।